फंक्शन ओवरलोडिंग, हेडिंग डालो फास्ट। इफ आई एम राइटिंग दिस डेफिनेशन, देखो इधर ध्यान से देखो, द प्रोसेस ऑफ हैविंग टू और मोर फंक्शन विद इन द क्लास इज द फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये क्लास बनाई है और इस क्लास के अंदर मैंने लिखा पब्लिक लाइक वॉइड इनपुट, ठीक है, ये एक मेथड मैंने इसमें लिख दिया। फिर दूसरा एक मेथड लिखा मैंने पब्लिक मींस वी आर गोइंग टू राइट डाउन फ्यू स्टेटमेंट इन दिस मेथड, एक फुल लाना जो पूरा फुल लिया हो, वॉइड पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ओके। तो अब ये जो मैंने डिस्प्ले डाला ये एक और मेथड हो गया, ओके। नाउ इस क्लास में कितने मेथड हैं, एक तो फर्स्ट मेथड इनपुट एंड द सेकंड मेथड इज वॉइड डिस्प्ले, राइट। तो क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग हुआ? ये तो डेफिनेशन मुझे तुमने बताई है, द प्रोसेस ऑफ हैविंग टू और मोर फंक्शन विद इन द सेम क्लास मींस इस एक क्लास के अंदर दो मेथड होना फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या? नहीं। सो दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग, ओके। तो अभी क्या डेफिनेशन होगी? द प्रोसेस ऑफ हैविंग टू और मोर मेथड्स या फंक्शंस विद द सेम नेम, विद द सेम नेम, विद द सेम नेम इन द क्लास और इन द सेम क्लास इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके। अभी देखो कितना डिफरेंस हो गया, सिर्फ दो तीन वर्ड ही मैंने अलग लगाए और उसके बाद में मेरा पूरा डेफिनेशन चेंज हो गया। तो प्रोसेस ऑफ हैविंग टू और मोर फंक्शंस विद द सेम नेम इन द सेम क्लास इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब देखो, अब सेम नेम मतलब कि सपोज मैं जैसे एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ, ओके, या फिर चलो इनपुट कर रही हूँ, इनपुट का नहीं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे मैंने एरिया कैलकुलेट करना है तो मैंने बनाया एरिया, ठीक है। फिर मेरे को दूसरा भी, अभी क्या बोला, सेम नेम, तो ये सेम नेम बनाया एरिया, दूसरा भी एरिया, सेम नेम तो अभी हुए ना, तीसरा मेथड भी बना लो, चलो ठीक है, पब्लिक वॉइड एरिया। अब एक ही क्लास में सेम नेम के मेथड बन गए, राइट। तो क्या ये सही है? फंक्शन ओवरलोडिंग हो तो गई, पर क्या सही है? लो कंपाइल करके देख लो, is it correct or not? No, it is not correct. देखो error है, है ना? Why it is error? क्योंकि ये जो हमने अलग-अलग बनाया है, वो तो यहाँ पर इसकी ये देखो, ये method है। अब देख लेते हैं, अभी ऐसा syntax wise कोई error नहीं होगी। देखो क्या बोला, method are, method area is already defined, means एक नाम से हम एक ही मेथड बना सकते हैं। Are you getting my point? Same name, अगर मैंने एरिया बनाया तो अभी दूसरा एरिया ऑलरेडी है ना, फर्स्ट void public void area is already exists in the class, then the second public void area again, then the third again, तो it will give you error, तो ये error आई है। तो फिर function overloading होगी कैसे? इस definition के according तो देखो, the process of having two or more function with the same name इन द सेम क्लास, तो सेम ही तो किया हमने, नहीं। अभी देखो कैसे है, ऐसा मिस्टेक क्यों है? सपोज मेरे क्लास में दो स्टूडेंट सेम नेम के पढ़ते हैं, लाइक अपने यहाँ पे दो अथर्वा है ना, अब मैं बोलूँ अथर्वा अपनी नोटबुक दिखाओ, तो कौन सा अथर्वा अपनी नोटबुक दिखाएगा? आई गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी मैं बोलूंगी अथर्वा जी अपनी नोटबुक दिखाओ, तो अथर्वा जी दिखाएगा। मैं बोलूंगी अथर्वा डी अपनी नोटबुक दिखाओ, तो अथर्वा डी अपनी नोटबुक दिखाएगा, राइट। तो सेम ऐसे ही सेम नेम ऑफ द फंक्शन विद द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, तो यहाँ पे डेफिनेशन बनेगी मोर फंक्शन विद द सेम नेम डिफरेंट बट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सेम क्लास, ठीक है, और इन अ क्लास,
इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ गए? मीन्स पैरामीटर की लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अब पैरामीटर कौन से? जो हम पैरेंथेसिस में पास करते हैं ना, फंक्शन के फर्स्ट लाइन देखो, पब्लिक वॉइड एरिया है ना, ये क्या है? पब्लिक वॉइड एरिया। पब्लिक वॉइड एरिया मीन्स व्हाट? ये है प्रोटोटाइप। क्या है? प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। ठीक है, प्रोटोटाइप है ये फंक्शन का, मीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। तो उसमें मैंने क्या लिखा? पब्लिक वॉइड एरिया। जब प्रोटोटाइप में मेथड का नेम लिखते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो यहीं पर अगर मैं डिक्लेयर कर देती हूँ लाइक इंट ए, तो ये क्या हुआ मेरा? पैरामीटर। इंट ए इज वॉट? पैरामीटर। ओके, इट इज नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ मैं लिख देती हूँ, हियर ए इज फॉर्मल पैरामीटर। ओके, ए इज व्हाट? फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट। तो अब मैंने ए बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं दो बना देती हूँ, इंट ए कॉमा इंट बी। ओके, अब देखो, अब कंपाइल करती हूँ, सी कोई एरर दिख रही है? नहीं, नो एरर, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अभी भी फंक्शन का नेम तो सेम ही है ना, एरिया एरिया एरिया, बट मैंने क्या डाला? पैरामीटर्स अलग अलग कर दिए। मींस इसका सिग्नेचर अलग है, इस एरिया का अलग है, इस एरिया में पैरामीटर ही नहीं है। तो इफ आई एम गोइंग टू कॉल द मेथड विदाउट एनी पैरामीटर, तो ये वाला कॉल होगा। इफ आई एम गोइंग टू कॉल द मेथड विद द सिंगल पैरामीटर, देन दिस फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड। इफ आई एम गोइंग टू कॉल द मेथड विद टू पैरामीटर लिस्ट, देन दिस सेकेंड मेथड इज गोइंग टू बी कॉल्ड। राइट, हो गया ना डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सपोज ये वाला एरिया बनाया है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं क्या लिखूंगी? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। मीन्स मैंने यहाँ पे पैरामीटर के लिया ए, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, बस ये एरिया कैलकुलेट हो गया। ये फॉर्मूला वैसे क्वेश्चन पेपर में दिया भी हो सकता है, मगर स्क्वायर का फॉर्मूला दे के क्या हो, तो आता ही है। अभी मैं सेकंड मेथड बनाती हूँ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, देन थर्ड वन आई एम गोइंग टू मेक एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल, अब क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई की वैल्यू विल कीप कांस्टेंट 3.14। यू विल नॉट राइट पी आई ई और वो पाई वाला सिंबल, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो आर कहाँ लिया? तो मैं यहाँ ले लू आर। ओके, मैं लेती हूँ, देखो इंट आर। अब मैंने यहाँ पे ले लिया आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब क्या ये सही है? अब क्या यही है सही है? चलो कंपाइल कर लेते हैं, इज इट करेक्ट और व्हाट? एरर, व्हाट इज द एरर? देखो अगेन, सी द एरर, मेथड आर इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो यहाँ पे भी ऑलरेडी एक पैरामीटर है एरिया, फंक्शन नेम इज व्हाट? एरिया, इंटीजर का एक पैरामीटर। सेम हियर, फंक्शन नेम इज व्हाट? एरिया, इंटीजर का एक पैरामीटर। अब नाउ इफ यू आर सेइंग कि नहीं यहाँ तो ए है और यहाँ आर है, डजंट मीन, ये तो वेरिएबल नेम है, बट द टाइप इज व्हाट? इंटीजर। ओके, तो मींस मुझे सिग्नेचर चेंज करना है ना, तो हियर आई कैन राइट डबल और द फ्लोट। नाउ सी, नो एरर। ओके, इट मींस अगर मुझे एक पैरामीटर पास करना है, तो आई मस्ट हैव टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ दैट पैरामीटर, नॉट द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम इज अ लोकल, फॉर्मर पैरामीटर वर्क एज अ लोकल वेरिएबल। ओके, तो ये डबल हो गया और ये यहाँ पे इंट हो गया, राइट। अब जब मैं इसे कॉल करूंगी इंटीजर की वैल्यू के साथ, जब एरिया कॉल करूंगी, तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट होगा, और डबल पैरामीटर के साथ कॉल करूंगी तो सर्कल का कैलकुलेट होगा। ओके,
तभी तो देखो, hence it is different parameter in the same class, okay, with the different parameters. Means same name तो होंगे मगर parameters different होंगे. तो कभी भी अगर एक ही parameter pass करना हो ना तो हमें ये change जरूर करना है data type. Okay, तब ये different हुआ. Now I'm calling the methods. Public static void main. ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, बिकॉज ऑल दी अबव मेथड्स आर दी इंस्टेंस मेथड. ओके, तो ऑब्जेक्ट फंक्शन का नेम, क्लास का नेम क्या है मेरा, फंक्शन ओवरलोडिंग. तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स, क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, देन क्लास नेम विद द कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट, फॉलोड बाय द पेरेंथेसिस. ओके, अब कॉलिंग करते हैं ओबीजे डॉट एरिया. अभी मैंने अगर ऐसा लिखा ओबीजे डॉट एरिया तो बताओ मुझे कौन सा मेथड कॉल होगा, कोई सा भी नहीं, बिकॉज मैंने कोई भी एक भी ऐसा एरिया मेथड नहीं बनाया जिसमें कि पैरामीटर्स नहीं हो. ठीक है, तो ये विदाउट पैरामीटर वाला है ना, तो कोई सा भी कॉल नहीं होगा. देखो एरर, नो सुटेबल मेथड्स. ओके, तो अभी अगर मैंने यहाँ पे कॉल किया विद द वन इंटीजर 5, तो अब कौन सा मेथड कॉल होगा, जिस मेथड में मेथड का नेम है एरिया और जिसमें एक वैल्यू पास है इंटीजर टाइप की, वो भी तो किसमें है, इंटीजर टाइप की एक स्क्वायर में, राइट. अब अगर मैं दूसरा कॉल करती हूँ ओबीजे डॉट एरिया और मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ 6.5, ओके, तो अब कौन सा कॉल होगा जिसमें कि एक मेथड, एक पैरामीटर मैंने पास किया मगर किसका, डबल डेटा टाइप का. लो स्पेसिफाई कर देती हूँ डी, इट मींस सर्कल का एरिया कैलकुलेट होगा. ओके, और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओबीजे डॉट एरिया 5.6 मींस टू इंटीजर वैल्यूज, तो टू इंटीजर वैल्यू किसकी है, रेक्टेंगल वाले की, तो मींस कौन सा एरिया कैलकुलेट होगा, रेक्टेंगल वाला. ओके, अब मैं कंपाइल करती हूँ, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम void main. सी एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द सर्कल, राइट. ओके, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे, एक ही मेथड की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लिखी है, राइट. तो अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा फीचर है जिसमें कि एक ही फॉर्म मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं. इफ यू रिमेम्बर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स, 4 principles, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस. तो व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन थिंग इन मेनी फॉर्म. तो देखो एक ही चीज है ना एरिया, बट मल्टीपल फॉर्म्स, इंट ए, यहाँ पे इंट ए बी, यहाँ पे डबल आर, सिग्नेचर आर डिफरेंट, मीन्स मेथड एरिया ही कॉल कर रहे हैं. सी इफ आई आस्क यू कि विच मेथड इज गोइंग टू बी कॉल्ड हियर, यू विल टेल मी एरिया, एरिया इज कॉलिंग हियर. ओके, एरिया मेथड कॉल कर रहे हैं ना हम, मगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से, मीन्स इट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. कौन सा, पॉलीमॉर्फिज्म. तो राइट डाउन ओवर देयर, ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स the function implements the polymorphism of object oriented programming. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्शन है कि कितने क्वेश्चन बने हैं, which feature is derived or which feature is implemented or which principle is implemented by the function overloading, polymorphism is implemented. What is the polymorphism? ये definition of the what is the polymorphism? One thing in multiple forms is the polymorphism. What is the function overloading? Function overloading means having the two or more method with the same name but the different parameter list in a single class. Okay, वो हो गई function overloading. Okay, understood? The function overloading.